दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के नियम और कायदे होते हैं, जो देश के धर्म, विचारधारा, रहन-सहन और जलवायु को देखकर बनाए जाते हैं, जिससे देश एक दिशा में प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। दोस्तों, 26 जनवरी आ रही है और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनाया गया था। भारत का संविधान क्यों बना, कैसे बना, कब बना, इसे किसने बनाया और तो और 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ऐसे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। अगर आप इन सवालों के जवाब पहले से ही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नहीं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन हम आगे बढ़ें इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बना लें इसे अपना चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का संविधान क्यों बना। भारत कई वर्षों से गुलाम था और बाहर की शक्तियाँ भारत पर अपना शासन करती आ रही थी और तो और देश पर अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही थी। सभी के अपने नियम थे। भारत आज़ादी के पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ ब्रिटिश नियम अनुसार कार्य होते रहे। इसलिए देश में आज़ादी जितनी ज़रूरी थी उतनी ही ज़रूरी था देश का संविधान। भारत हमेशा से एक बहुत आबादी वाला देश रहा है और इस आबादी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए देश के पास अपने नियमों, अधिकारों एवं कर्तव्यों की नियमावली होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए भारत का संविधान बना। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह भारत संविधान की तरफ बढ़ा। सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने 1935 में भारतीयों के सामने एक नए एक्ट का ऐलान किया, जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के कई नियम आज भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं, लेकिन यह कानून पूरी तरह से भारतीयों को कभी पसंद नहीं आया और भारत में काफ़ी द्वेष बढ़ गया। बाहर से दिखने पर यह अधिनियम संघीय शासन का था, लेकिन वास्तविक तौर पर सभी अधिकार गवर्नर के पास थे, जिसे जानकर लोग खुश नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे बिना इंजन की मशीन तक कहकर संबोधित किया और इस तरह इसका विरोध पूरे देश में हुआ। सभी दलों और जानकारों के मतानुसार 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, लेकिन अब तक भारत परतंत्र ही था। परंतु इस वक्त ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी हालत ख़राब थी और इनफैक्ट देश में भी एक के बाद एक नए आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का गठन होना, इन सबों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। इनफैक्ट ब्रिटिश सरकार की अपने खुद के देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो उनके वर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल थे उनकी हार हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। ऐसे में सत्ता में आते ही भारत पर अपना कब्जा छोड़ना इन्हें थोड़ा रास नहीं आ रहा था। इन्होंने अपनी फूट नीति को अपनाया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग कर देश के विभाजन की योजना बनाई। ब्रिटिश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा और अपनी बात सबके सामने रखी। इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैबिनेट मिशन था क्या। यह मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 मुख्य सदस्य भारत भेजे गए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन विकल्पों को तलाशना था जिसके जरिए भारत की सत्ता भारत के हाथों में सौंपी जा सके। उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैबिनेट कमीशन की पहली बैठक पर कोई हल ना निकल सका। इस बैठक में मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, लियाकत अली खां, जिन्ना, नवाब इस्माइल खां और सरदार निश्तर तथा नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला हाजिर थे। यह बैठक शिमला में हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और 16 जून 1946 को देश के विभाजन का फैसला ले लिया और इस फैसले के साथ यह भी तय हुआ कि देश को आज़ादी मिल जाएगी और यहाँ से शुरुआत हुई संविधान बनने की प्रणाली का। अब मैं आपको बताती हूँ कि संविधान लिखने की शुरुआत कैसे की गई। जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि अंग्रेज भारत की सत्ता देश को सौंप देंगे, वैसे ही चिंता सबसे ज़्यादा ये थी कि भारत में अब अपना संविधान होना बहुत ज़रूरी है। संविधान की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद की अगुवाई में हुई, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की एक रफ रूपरेखा तैयार की गई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबके सामने पढ़ा। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखी गई कि अब देश में सभी राजाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा
और भारत की प्रभुत्ता सबको स्वीकार करनी होगी। और 22 जनवरी 1947 को कई तरह के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। वैसे तो ये एक बहुत कठिन समझौता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने सभी राजाओं को एकजुट किया और राजाओं ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। 14 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने संविधान की बैठक में देश के चिन्ह तिरंगा ध्वज का ऐलान किया, जिसका सभी ने तहे दिल से समर्थन किया। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा हुई बातचीत के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और इतने संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इसे एक दिशा में सुचारू रूप से गति देने के लिए भारत का संविधान अभी भी पूर्णतः नहीं बना था। पहले संविधान का ढांचा बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। संविधान का निर्माण करने के लिए उसमें कुछ सदस्यों को जोड़ा गया, जिससे हर क्षेत्र को नेतृत्व की दृष्टि से प्रमुख लोगों को शामिल किया गया। संविधान को तैयार करने में 389 सदस्यों की भूमिका रही और इस समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान की कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल थे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संजय फेक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मानकेलाल मुंशी, गणेश वासुदेव मावलकर, संदीप कुमार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजना घोषाल, फ्रैंक एंथोनी, एच पी मोदी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, अरी बहादुर गुरुंग, अल्लदी कृष्णस्वामी अय्यर। और महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित भी इस सभा में शामिल थे। सभी के विचार विमर्श, लड़ाई झगड़ों के साथ संविधान का प्रारूप तैयार होना शुरू हो गया, जिसकी घोषणा 9 दिसंबर 1947 को की गई। सभी सदस्यों के साथ मिलकर संविधान तैयार हुआ, जिसमें कई निर्णय हुए, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, अधिकार, कर्तव्य आदि आदि। अब मैं आपको बता दूं कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ और उसमें कितना समय लगा। सो दोस्तों, इतनी जनसंख्या वाले देश का संविधान, जहां कई तरह के धर्म, जाति, प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, लिखना इतना आसान नहीं था। इसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए, जिसमें 114 दिनों तक आपसी बहस हुई और 12 अधिवेशन भी पेश किए गए। 166 दिन तक मीटिंग की गई और कई बार जनता से सलाह मशवरा भी किया गया, जिसके लिए प्रेस का सहारा लिया गया। और इस तरह 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद हमारे देश का संविधान 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब पॉइंट ये था कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। वैसे तो तारीखें और भी कोई हो सकती थी, लेकिन 26 जनवरी हमारे इतिहास की एक बहुत यादगार तारीख मानी जाती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के 20 वर्ष पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से 20 वर्ष पहले 26 जनवरी 1923 को भारत में पूर्ण स्वराज का संकल्प लेकर कांग्रेस ने इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान घोषित किया गया। इस तरह 26 जनवरी का महत्व हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा अधिक है। आपको मैं भारत के संविधान का बहुत छोटा सा एक ब्रीफ देती हूँ कि भारत का संविधान 2016 तक 101 बार संशोधित किया जा चुका है। इस प्रकार इस संविधान में 448 अनुच्छेद, एक संविधान उद्देशिका, 12 अनुसूचित जातियाँ एवं 5 अनुलग्न शामिल हैं। इसमें अंतिम संशोधन GST को लेकर किया गया था। दोस्तों, भारत का संविधान सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है, जिसकी विश्व में अपनी एक पहचान है। वैसे तो संविधान ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, लेकिन समय समय पर भारतवासियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते रहे। सो दोस्तों, इस तरह उतार चढ़ाव के साथ भारत का संविधान बना। मुझे उम्मीद है मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी देने में सफल रही हूँ। अगर हाँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।